पाठ का शीर्षक है बंदरबांट। म्याऊं म्याऊं की आवाज होती है और दाहिनी तरफ से काली बिल्ली और बाईं तरफ से सफेद बिल्ली प्रवेश करती हैं। काली बिल्ली, बिल्ली बहन नमस्ते। सफेद बिल्ली, नमस्ते बहन नमस्ते। काली बिल्ली, अच्छी तो हो, अच्छी क्या हूँ, भूखी हूँ। मैं भी भूखी हूँ, खाने को कुछ ढूंढ रही हूँ। उस खोज में मैं भी निकली हूँ। मुझे महक रोटी की आती। हाँ, मेरी भी नाक बताती, पास कहीं है। रखी मेज पर है वो रोटी, लपकूं, कोई आ ना जाए तो? तू डर, मैं तो लेने चली। काली बिल्ली लपकती है और रोटी लेकर भागने लगती है। सफेद बिल्ली, जाती है रोटी लेकर? रोटी मेरी। रोटी तेरी? कैसे तेरी? रोटी मेरी। मैं ना दिखाती तो तू जाती? अच्छा, क्या मैं खुद ना देखती? क्या मेरी दो आंखें नहीं है? डरती थी उस तक जाने में। जा, डरपोक कहीं की, जा भक, रोटी मेरी। रोटी कहे दे रही मेरी, मैं ले जाने तुझे न दूंगी। देख, राह से मेरी हट जा, ले जाऊंगी तुझे न दूंगी। देखूं कैसे ले जाती है, जो पहले देखे हक उसका है रोटी पर। पहले दौड़े, दौड़ के ले ले पहले उसका हक रोटी पर। रोटी पर पहला हक मेरा। मैं कहती हूँ रोटी मेरी। मैं कहती हूँ रोटी मेरी, रोटी मेरी। दोनों झगड़ती हैं। रोटी मेरी, रोटी मेरी कहकर एक दूसरे पर हुर्राती हैं। बंदर का प्रवेश। क्यों तुम दोनों झगड़ रही हो? तुम कहती हो रोटी मेरी। सफेद बिल्ली से। तुम कहती हो रोटी मेरी। काली बिल्ली से। रोटी किसकी? मैं इसका फैसला करूंगा। चलो कचहरी, मेरे पीछे पीछे आओ। बंदर दोनों से छीन कर रोटी अपने हाथ में लेकर चलता है। दोनों बिल्लियां पीछे पीछे जाती हैं। बंदर मेज पर बैठा है, रोटी का टुकड़ा सामने रखा है। दोनों बिल्लियां मेज के सामने इधर उधर खड़ी हैं। बंदर सफेद बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैंने ही रोटी देखी थी, इससे रोटी पर पूरा हक मेरा बनता है। बंदर काली बिल्ली से, बोलो तुमको क्या कहना है? श्रीमान, पहले मैं झपटी थी रोटी लेने, इससे रोटी पर
मेरा हक पूरा बनता है। बंदर सफेद बिल्ली से। एक आंख से देखी थी या दो आंखों से? दो आंखों से, दोनों आंखों से। बंदर काली बिल्ली से। एक टांग से झपटी थी या दोनों टांगों से? दो टांगों से, दोनों टांगों से। तुम दोनों का था गवाह भी? कहीं ना कोई, कोई ना कहीं। बात बराबर, बात बराबर। मेरा फैसला है कि रोटी तोड़ तोड़ कर तुम्हें बराबर दे दी जाए। मेरे पास धर्म काटा है। बंदर मेज के नीचे से तराजू निकाल कर लाता है। दो हिस्सों में तोड़कर दोनों पलड़ों पर रखता है और उठाता है। एक पलड़ा नीचे रहता है, दूसरा ऊपर। ये टुकड़ा कुछ भारी निकला। इसमें से थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा ऊपर है और दूसरा नीचे। अब ये टुकड़ा भारी निकला। अब इसको थोड़ा खाकर हल्का कर दूं। फिर तराजू उठाता है। अब पहला पलड़ा नीचे हो गया और दूसरा ऊपर। अब ये टुकड़ा भारी निकला। टुकड़े भी कितने खोटे हैं, एक दूसरे को छोटा दिखलाने में ही लगे हुए हैं। मुंह थक गया बराबर करते करते और तराजू उठा उठा कर हाथ थक गया। बिल्लियों को बंदर की चालाकी का पता चल गया। हाथ मलती हुई बड़ी उदासी से एक दूसरे को देखते हुए। सफेद बिल्ली, आप थक गए, अब ना उठाएं। और तराजू, बचा खुचा जो उसको दे दे, हम आपस में बांट खाएंगी। नहीं नहीं, तुम फिर झगड़ोगी। मैं झगड़े की जड़ को ही काटे देता हूँ। बचा खुचा भी खा लेता हूँ। इतना कहकर बची खुची रोटी भी बंदर खा जाता है और तराजू लेकर भाग जाता है। आपस में झगड़ा कर बैठी बुद्धि अपनी खोटी। अब पछताने से क्या होता, बंदर हड़पा रोटी। बंदर बांट।
आलेख हरिवंश राय बच्चन, अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनि पाठ। विषय संचालन प्रोफेसर मंजुला माथुर, पाठ समन्वय लता पांडे, निर्माण संचालन प्रभुदयाल खट्टर, कलाकार नीरज यादव, अर्जुमंद अली खां, अलका सिन्हा और नेहा, तकनीकी निर्देशन सतीश लाड़े, ध्वन्यांकन दीपक पांडे, निर्माण सहयोग दाऊदयाल चतुर्वेदी तथा निर्माण एवं प्रस्तुति वंदना अरिमर्दन।